आज की कक्षा में हम लोग द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि के द्वारा हल करना पढ़ेंगे, और मैंने कहा था साथ में ही आज हम एक अन्य विधि है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरणों को हल करना, वो विधि भी आज आपको हम बताएंगे। दोनों विधियां एक साथ बताएंगे आपको। देखिए बेटा, ये बताने से पहले आपको फिर एक बार आप लोगों से अनुरोध करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग को जो लिंक भेजा गया है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लिंक शेयर कर दें, और साथ में जो हमारा ये चैनल है इसमें देखेंगे एक आगे सदस्यता का आइकन बना होगा, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके सदस्य बन जाएं। एक बिल बनी होगी उसको भी ऑन कर दें, जिससे हमारे जितने भी क्लास जब भी शुरू होंगे तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल जाएगी। देखिए बेटा, ज़्यादा कुछ बातें अभी नहीं करते, अभी हम पढ़ाई पे ही बात करेंगे। देखिए बेटा, हमने द्विघात समीकरण पहचानना सीखा, द्विघात समीकरण बनाना सीखा, जो अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, उन समीकरणों को द्विघात में बदलना सीखा हम लोगों ने। तो आज बेटा जो हमारी क्लास है, हमारी कक्षा है, इसमें द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि के द्वारा और पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि के द्वारा हम हल करेंगे। देखिए बेटा, मैंने आपको द्विघात समीकरण का व्यापक रूप बताया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो। बेटा ये द्विघात का व्यापक रूप है, व्यापक रूप, जनक रूप, जिसके द्वारा द्विघात समीकरणों का जन्म होता है। सारे द्विघात समीकरण इसी का रूप होते हैं। जहां पर लेकिन याद रहे आप लोगों को, जहां पर a इज नॉट इक्वल जीरो की, यानी जो यक्स स्क्वायर का गुणांक है, गुणांक आप जानते हैं गुणा का अंक, यक्स स्क्वायर का जो ये गुणांक है a, ये नॉट इक्वल जीरो, ये शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए बेटा। और इन्हीं समीकरणों को गुणनखंड, बेटा मैंने आपको कल बताया था जो जितने घात का समीकरण होता है उसके उतने ही गुणनखंड होते हैं। ये दो घात का समीकरण है, निश्चित है इसके दो गुणनखंड होंगे, और जब दो गुणनखंड होंगे तो निश्चित है इसके दो मूल प्राप्त होंगे। बेटा इसके दो मूल आपको प्राप्त होंगे। बेटा जो जितने घात का समीकरण होता है उस समीकरण के उतने ही गुणनखंड होते हैं और उसके उतने ही मूल प्राप्त होते हैं। आपने क्लास 9 में बेटा रैखिक समीकरण एक घात के समीकरणों को पढ़ा था, तो वहां पर आपको यक्ष का एक मान, यक्ष की एक वैल्यू प्राप्त होती थी। यहां पर बेटा आप दो घात के समीकरण पढ़ेंगे तो यक्ष के निश्चित आपको दो मान प्राप्त होंगे। जो जितने घात का समीकरण होता है उसके उतने ही मूल प्राप्त होते हैं। यहां पर ये द्विघात समीकरण है तो इसके दो मूल, अगर यही तीन घात का समीकरण, चार घात का समीकरण होता तो बेटा इसके तीन मूल या चार मूल प्राप्त होते। लेकिन हमारी कक्षा जो क्लास 10 है इसमें केवल द्विघात समीकरण ही दिए गए हैं, तो बेटा यहाँ पर केवल हम द्विघात समीकरणों का अध्ययन करेंगे। तो बेटा यहाँ पर हम द्विघात समीकरणों का अध्ययन करेंगे। अब आपको हम ज़्यादा कुछ नहीं, सीधा हम प्रश्न में चलते हैं, अपने जो हमारे प्रश्न हैं उन पे आते हैं और सीखते हैं कि बेटा
गुणन खंड विधि के द्वारा हम द्विघात समीकरणों को कैसे हल करते हैं। देखिए बेटा, एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x और बेटा माइनस 10 इक्वल 0 ये दिया हुआ है। बेटा हमें यहां पर ये एक द्विघात समीकरण दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0, और इसे गुणनखंड विधि के द्वारा हमें इसके मूल प्राप्त करने हैं। तो देखिए बेटा, हम इस द्विघात समीकरण के गुणनखंड कैसे करते हैं। देखिए बेटा, बड़ी आसान विधि है, बड़ी ही सरल विधि है, थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा। बच्चों मैं आपको एक बात और बता दूं, आपने कक्षा 9 में जो बहुपद पढ़े थे, बहुपद वहां पर द्विघात के बहुपद आपको मिले थे, तो आपने द्विघात के बहुपद के गुणनखंड करना सीखा था। सेम वही नियम यहां भी लगेगा, यहां पर भी वही विधि लगाकर हम इन समीकरणों को हल करेंगे। लेकिन फिलहाल हम एक बार और देखते हैं इनको कैसे हल किया जाता है। ध्यान देना मेरी बात को। सबसे पहला कार्य बेटा, जो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर आप देखिए पहला पद, ये जो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, सबसे पहले इसका गुणांक आप यहां पे लिख लें। ये यहां पर इसका गुणांक लिख लें कई रफ स्थान पर। जो एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहां पर बेटा गुणांक कोई नहीं लिखा तो वन होगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक सबसे पहले लिख लेते हैं। फिर बेटा इनटू यहां पर गुणा अचर पद, ये जो अचर पद लिखा हुआ जिसमें चर नहीं आया, यहां पर 10 अचर है, चर नहीं आया, तो यहां पर 10 लिख लेते हैं। बेटा ध्यान दे फिर एक बार, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक, फिर इनटू गुणा, फिर अचर पद लेंगे, इन दोनों का हम यहां पर गुणा कर लेंगे। तो बेटा ये यहां पर 10 और 1 का गुणा, 10 एक कम 10 आ जाएगा बेटा। इसके बाद जो एक्स का गुणांक है, एक्स मध्य वाला पद, एक्स का गुणांक है, इसे आप लिख लें। बेटा चिन्ह लेने की आवश्यकता यहां नहीं है, आप चिन्ह नहीं, सिर्फ उसका गुणांक लिखें, गुणांक का चिन्ह नहीं लिखें। अब बेटा ये जो यक्ष का गुणांक यहां पर लिख लिया बेटा, अब यहीं पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है बेटा। देखिए बेटा, जो यक्ष स्क्वायर के गुणांक और अचर पद दोनों का जो गुणन फल आया है, और यक्ष का जो गुणांक 3 है बेटा, अब देखिए यहां पर अचर पद का चिन्ह ध्यान से देखिए, जो अचर पद है इसका आप चिन्ह ध्यान से देखें क्या लगा हुआ है, माइनस। बेटा ये चिन्ह विशेष तौर पर ध्यान देखें, माइनस लगा हुआ है। बेटा ये जो माइनस लगा हुआ है, इसका अर्थ है घटाने पर, अगर प्लस लगा होता तो जोड़ने पर बेटा लिया जाता, यहां पर माइनस लगा है तो हम घटाने पर लेंगे। और क्या लेंगे ध्यान दीजिए बेटा, अब हम ऐसी दो संख्याएं सोचते हैं या ऐसी दो संख्याएं लेते हैं कि बेटा जिनका गुणा 10 हो, ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा 10 हो और घटाना 3 हो, अगर घटावे तो 3। तो बेटा बहु आसान है, ऐसी संख्याएं बड़ी आसानी से आप सोच सकते हैं। हालांकि ऐसी संख्या निकालने के लिए नियम भी है, लेकिन अभी उस नियम की आवश्यकता यहां नहीं है इस सवाल में। तो बेटा ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा 10 हो और उनको आपस में घटाने को 3 आ जाए, तो बेटा ऐसी दो संख्याएं 5 और बेटा यहां पर 2 होंगी। देखिए अगर हम 5 और 2 का गुणा करते हैं तो 10 आता है,
और पांच में दो घटा देती हैं तो तीन आता है। ये बेटा आप एक छोटा सा रफ कार्य करेंगे। अब देखिए बेटा सवाल को हल करेंगे बड़ी आसानी से। अब यक्स स्क्वायर माइनस यहां पर थ्री, तो बेटा ये थ्री के स्थान पर, ये तीन के स्थान पर आप ये संख्या लिखेंगे। यहां पर तीन के स्थान पर ब्रेकेट लगाकर फाइव माइनस टू और इनटू में यक्स है तो यक्स लिख देंगे, माइनस टेन इक्वल बेटा जीरो लिख देते हैं। अब देखिए बेटा यक्स स्क्वायर माइनस, अब ये ब्रेकेट खोलेंगे, ब्रेकेट के पहले माइनस है, ब्रेकेट खोलेंगे इसके चिन्ह बदलेंगे, एक्स से गुणा होगा इसमें तो पांच में यक्स से गुणा होगा पांच यक्स और माइनस, और ये माइनस बेटा प्लस हो जाएगा। अब बेटा यक्स का दो में गुणा करेंगे टू यक्स और माइनस टेन इक्वल जीरो बेटा। अब बेटा दो दो पदों के जोड़े बना लेते हैं, यहां पर दो दो पदों के जोड़े बना लेंगे। अब इन दोनों में बेटा ध्यान से देखिए तो दोनों पहले वाले दोनों पदों में यक्स कामन मिलता है, हम यहां पर एक्स कामन ले लेते हैं बेटा। अब यक्स स्क्वायर से यक्स कामन लोगे तो यहां पर बेटा यक्स बचेगा माइनस, ये यक्स कामन ले लेंगे तो यहां पर फाइव बचेगा बेटा। अब कह दो कामन सर, तो कामन यहां नहीं सीखना बेटा, कामन करना तो हम पिछली कक्षाओं में सीख चुके हैं। प्लस बेटा प्लस है यहां पर, प्लस लगाएंगे और बेटा यहां पर दो दो कामन ले लेंगे, यहां पर दो कामन आएगा तो यहां पर एक्स बचेगा, माइनस है तो ये माइनस, दो कामन लेंगे दस में तो दस में दो से भाग हो जाएगा, दो पंचे दस यानी माइनस फाइव बराबर जीरो। बेटा कामन लेने के बाद ये तुमको सदैव ध्यान रखना है कि बेटा कामन लेने के बाद इन दोनों ब्रेकेट में एक ही गुणनखंड आना चाहिए, यानी इन दोनों ब्रेकेट में एक ही संख्या आनी चाहिए, और यदि ये संख्या समान नहीं है तो निश्चित है कि आप कामन गलत कर रहे हैं या गुणनखंड सही नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये गलत आ रहा है आपका। अब बेटा दोनों में से फिर देखें, यक्स माइनस फाइव कामन मिल जाता है तो यक्स माइनस फाइव कामन ले लेते हैं और इनटू यहां पर यक्स बचेगा, एक्स माइनस फाइव कामन यक्स बचा प्लस, तो यहां पर प्लस लगा दो, यक्स माइनस फाइव कामन तो यहां पर टू बचा और इक्वल जीरो बेटा। बेटा ये गुणनखंड हो गए बेटा, और ये इतने गुणनखंड बेटा आप लोगों ने पिछली कक्षा में सीखा है, लेकिन यहां पर हमें मूल ज्ञात करना है। तो बेटा अब मूल कैसे ज्ञात करते हैं, इस समीकरण के मूल, मूल का मतलब यक्ष के मान, मैंने कहा जो जितने घात का समीकरण होता है उसके उतने ही मूल होते हैं। ये द्विघात का समीकरण है, इसके दो मूल होंगे बेटा, आप देखिए इसके दो गुणनखंड आ गए, निश्चित है दो मूल होंगे। अब बेटा वो मूल कैसे ज्ञात करें, एक बड़ी आसान सी विधि है, सभी अध्यापक बताते हैं कि एक बार पहले ब्रेकेट को जीरो के बराबर कर दो, यक्स माइनस फाइव बराबर जीरो, तो फाइव को इधर ले आओ तो यक्स बराबर फाइव, और एक बार बेटा यहां पर या लिख के यक्स प्लस टू बराबर जीरो, प्लस टू इधर ले आओ तो यक्स बराबर माइनस टू। बेटा यही यक्स के दोनों मान हो गए, यही यक्स के मूल बेटा, इस समीकरण के यही दोनों पांच और माइनस दो मूल हो गए। लेकिन बेटा एक छोटी सी बात है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, यदि ये ऑफलाइन क्लास होती तो बहुत से बच्चे मुझसे प्रश्न करते हैं कि सर आपने पहले ब्रेकेट को जीरो के बराबर कर दिया
और दूसरे ब्रेकेट को जीरो के बराबर कर दिया। आखिर क्यों कर दिया? यहां पर इन गुणनखंडों को शून्य के बराबर क्यों किया गया, ये अवश्य मुझसे आप पूछते, लेकिन यहां पर आप मुझसे नहीं पूछ रहे। लेकिन बेटा वो चीजें भी जो आप मुझसे ऑनलाइन क्लास में नहीं पूछ सकते, लाइव क्लास में, वो चीजें भी मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं आपको फिर यहां पे बता रहा हूं कि आप देखिए, गुणनखंड तो आपको पिछले नियम से ही बताया गया जो आपने कक्षा 9 में पढ़ा था, लेकिन ये समीकरण है और इक्वल शून्य के बराबर लिखा हुआ है बेटा। तो एक बार पहले फैक्टर, पहले गुणनखंड को शून्य के बराबर लिखते हैं और एक बार दूसरे गुणनखंड को शून्य के बराबर लिखते हैं। आखिर ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं बेटा? तो देखिए इसका भी जवाब हम आपको देते हैं। देखिए बेटा, यहां पर याद करें बेटा गुणा का नियम क्या है, उसको आपको दिखाते हैं बेटा। याद करें, कभी बेटा दो संख्याएं गुणा में लिखी हो, दो संख्याएं गुणा में लिखी हो और उनका गुणनफल बराबर शून्य। बड़ी अजीब बात मैंने लिखी है कि बेटा 5 × 2 यानी 5 × 2 = 0, क्या ये गणित में संभव है? 5 और 2 का गुणा क्या 0 आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। 5 और 2 का गुणा कभी शून्य नहीं हो सकता बेटा। तो अगर यहां पर इन दोनों संख्याओं का गुणनफल शून्य लिखा हुआ है, इसका क्या अर्थ हुआ बेटा? दो संख्याओं का गुणनफल शून्य तभी हो सकता है, दो संख्याओं का गुणनफल शून्य तभी हो सकता है यदि इन दोनों संख्याओं में से कोई एक संख्या शून्य हो। अगर यहां पर 2 की जगह पर शून्य लिख दिया जाए तो 5 और 0 का गुणा 500 हो सकता है, या फिर इस संख्या को शून्य ना लिखा जाए, यहां पर पहली संख्या को शून्य लिख दिया जाए तो 2 0 0 हो सकता है, या फिर बेटा ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों संख्याएं शून्य हो तो 0 का 0 में गुणा भी 0 होगा। तो बेटा यही बात यहां आपको समझनी है कि देखिए इन दोनों संख्याओं का गुणनफल शून्य है और गणित में किन्हीं दो संख्याओं का गुणा ये शून्य तभी हो सकता है जब उनमें या तो पहली संख्या शून्य के बराबर हो या दूसरी संख्या शून्य के बराबर हो या फिर ये दोनों ही संख्याएं शून्य के बराबर हो। और यहां पर दोनों का गुणनफल शून्य है, इसका मतलब निश्चित है या तो पहली संख्या शून्य के बराबर होगी या दूसरी या दोनों ही संख्याएं शून्य के बराबर होंगी। तो देखिए बेटा यहां पर मैं इसीलिए बेटा इनका गुणनफल शून्य है ये संभव तभी है या तो पहली संख्या शून्य हो या दूसरी, इसीलिए मैंने इसके पहले गुणनखंड को शून्य के बराबर कर दिया और दूसरे गुणनखंड को शून्य के बराबर कर दिया। तो यहां पर हमें इसके मूल प्राप्त हो गए बेटा। और बेटा यहां पर जो मूल आए वो x = 5 और बेटा ये -2। और बेटा जानते हो मूल कहते किसे हैं? बेटा मूल इस समीकरण के जो हल होते हैं उन्हें मूल कहते हैं हम, और ये इस समीकरण के हल हैं इसलिए इन्हें मूल कहेंगे बेटा। और बेटा इनकी विशेषता होती है, अगर ये x के मान इस समीकरण में रख दिए जाएं, यदि x के ये मान इस समीकरण में रख दिए जाएं, अवश्य समीकरण का मान बेटा दोनों पक्षों में शून्य, दायां पक्ष पहले से ही शून्य है, अवश्य इसका बायां पक्ष भी शून्य हो जाएगा। अर्थात ये x के दोनों मान इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे बेटा। तो बेटा इन चीजों को, ये बेटा जो मैंने बताया है आपको गुणनखंड विधि के द्वारा द्विघात समीकरणों को हल करना मैंने बताया है। तो बेटा हम गुणनखंड विधि के द्वारा इसी प्रकार से द्विघात समीकरणों को हल करते हैं।
बेटा एक प्रश्न आपको और बताते हैं, फिर उसके आगे हम चलते हैं बेटा। तो देखिए बेटा, यहां पर हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है उसको देखते हैं बेटा। लेकिन फिर एक बार आप लोगों से निवेदन करते हैं कि बेटा जो बच्चे भी इस समय हमें लाइव देख रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ठीक हमारा लिंक भेजें, या अपने दोस्त या साथी या पड़ोस में जो क्लास 10th या क्लास 9 पढ़ के अब 10th में गए हैं बेटा, कक्षा 10 में गए हैं, उन्हें जरूर अपने साथ शामिल करें, उन्हें जरूर बताएं, और उनका हो सके तो व्हाट्सएप नंबर जो है बेटा वो हमें भेजें। हमारा नंबर आप सबके पास होगा, हम वो नंबर जैसे आपका नंबर लिंक कर दिया है मैंने, वैसे आप उनका नंबर भी लिंक कर देंगे, वो भी प्रतिदिन हमारी कक्षाएं देख सकेंगे बेटा। ये निःशुल्क कक्षाएं हैं, इनमें आपसे कोई मैं पैसा नहीं ले रहा हूँ, फ्री सेवा आपकी है। और मैं भी सोचता हूँ कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके पढ़ें और अच्छा अनुभव प्राप्त करें, अच्छा सीखें। बेटा मैंने आपको कई बार बता चुके हैं, गणित को कभी रटना मत, कभी याद मत करना। गणित सैद्धांतिक रूप से पढ़ी जाए, और जब सैद्धांतिक रूप से आप मैथ पढ़ेंगे तो केवल एक दिन के लिए नहीं, जब तक आप कंपटीशन में बैठेंगे हमेशा ये गणित आपको याद आएगी। आप कभी ये नियम नहीं भूलेंगे, कभी ये तरीके नहीं भूलेंगे। और यदि आप गणित को रट लेते हैं तो आज आप पढ़ रहे हैं, आपको सवाल हो सकता आ जाए, रट लेंगे, लेकिन अगर सवाल में थोड़ा सा परिवर्तन या चेंज हुआ या पूर्ण ज्ञान आपको नहीं हुआ, निश्चित आप सवाल नहीं हल कर पाएंगे। तो देखिए बेटा, एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारी पुस्तक में कई दिए हुए हैं, तो बहुत से प्रश्न हैं जो आपको होमवर्क के लिए मिलेंगे, और मैं आपको कोई एक प्रश्न और लेके आपको बताता हूँ, हल करके दिखाता हूँ बेटा। देखिए बेटा, एक प्रश्न और ले लेते हैं, यहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है बेटा, 2x² - x + 1/8 = 0। ये बेटा द्विघात समीकरण दिया हुआ है बेटा। बड़ा अजीब लगता है, बच्चे भी जो अच्छे पढ़ने वाले होते हैं तो बेटा बड़ी आसानी से सीख जाते हैं, उन्हें बहुत कुछ सिखाने की जरूरत नहीं होती है, उनको पहले से ही काफी कुछ ज्ञान होता है, बड़ी आसानी से सवाल को हल करते हैं, समझ लेते हैं एक बार और आ जाता है उनको। लेकिन बहुत से बच्चे हैं जो गणित से डरते हैं। बेटा मेरा कहना है आप गणित से डरे नहीं, ठीक, आवे हमारी क्लास में। देखे बेटा, हम आपसे वादा करते हैं कि आपको जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके पास, मेरा वादा है कि आपको सबसे अच्छी मैथ, सबसे सरल सब्जेक्ट मैथ ही लगेगी बेटा। देखिए बेटा, अब जैसे ये प्रश्न लिख दिया, अब बहुत से बच्चों के मन में आएगा तुरंत कि बेटा यहाँ तो बटे में लिखा हुआ है, ये अपान में लिखा हुआ है, मैं इसको कैसे हल करूं, अब ये कैसे गुणनखंड करूं, अभी सर बता रहे थे किस प्रकार से फैक्टर करूं। उनको बटे से डर लगता है, अगर बटे में कोई संख्या आ जाती वो देख के डर जाते हैं, पढ़ते हाई स्कूल में है लेकिन उनको बटा देख के डर लगता है बेटा ना। देखिए बेटा, मैं आपको एक नियम बता रहा हूं, याद रहे, जब कभी इस तरह बटे में कोई पूर्णांक दे दिया जाए, पूर्णांक की मैं बात करता हूं, चर की नहीं, यदि बटे में कोई पूर्णांक दे दिया जाए या चर भी दे दिए जाए तो बेटा आप एलसीएम लेके, लघुत्तम लेके हल कर सकते हैं। यहां पर पूर्णांक दिया तो लघुत्तम लेने की भी आवश्यकता नहीं है बेटा। यहां पर देखिए, यहां पर 8 बटे में है, हम कह रहे हैं पूरे समीकरण में ये बटे वाली संख्या 8 से गुणा कर डालो, जो बटे में 8 आया है इससे आप पूरे समीकरण में, समीकरण के दोनों पक्षों में 8 से गुणा कर दो। और याद रहे बेटा, मैं आपको एक नियम बता दूं कि बेटा किसी समीकरण के दोनों पक्षों में एक ही संख्या से गुणा अथवा भाग करने पर उस समीकरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक बार फिर सुन ले,
यदि किसी समीकरण के दोनों पक्षों में एक ही संख्या से गुणा अथवा भाग कर दिया जाए तो इससे समीकरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहां पर बटे आठ लिखा हुआ एट लिखा हुआ है, आप पूरे समीकरण में एट से गुणा कर दें, लिखने की जरूरत नहीं, गुणा कर दें, टीचर तो इतना समझता है, जब आपकी कॉपी देखेगा वो समझ जाएगा। तो बेटा पूरे समीकरण में आठ से गुणा करते हैं, आठ से दो में गुणा होगा, आठ दूनी सोलह, यक्स स्क्वायर माइनस यक्स में आठ से गुणा होगा आठ यक्स, और प्लस वन अपान एट में आठ से गुणा करोगे आठ आठ कट जाएगा यहाँ पर वन, बराबर जीरो में आठ से गुणा करोगे तो जीरो ही आएगा। देखे बेटा ये वही समीकरण है जो इस रूप में लिखा था, अब गौर से देखें ये ऐसा समीकरण बन गया जो आपको पहला क्वेश्चन बताया, बिल्कुल साधारण सा समीकरण बन गया। अब बेटा हल करने का तरीका आपको बता चुके हैं, तो बेटा अब आपको फिर वैसे ही प्रयोग करना है। मैंने कहा सबसे पहले यक्स स्क्वायर का गुणांक लिख लें और अचर पद से इसको गुणा कर दें, अचर पद वन है, सोलह एक कम सोलह, फिर यक्स का गुणांक जिसमें चिन्ह नहीं लेंगे आप आठ है तो आठ लिख लें बेटा। अब आप अपने मन में ऐसी दो संख्याएं सोचें, और मैंने कहा था ये लास्ट का चिन्ह देख ले बेटा, प्लस है, यानी अब की बार जोड़ने पर, प्लस है जोड़ने पर, लास्ट अचर पद का चिन्ह देखा जाता, अगर प्लस है तो जोड़ने पर और माइनस है तो घटाने पर, यहां प्लस है जोड़ने पर। ऐसी दो संख्याएं जिनका जोड़ आठ हो और गुणा सोलह हो बेटा, ऐसी दो संख्याएं जिनका जोड़ आठ हो और गुणा सोलह, तो बहु आसान है बेटा, फोर प्लस फोर। अगर यहां पर चार और चार को जोड़े तो आठ आ जाएगा, चार और चार का गुणा करें तो सोलह हो जाएगा। ये छोटा सा रफ कार्य होता बेटा, ये आप कर ले। अब बेटा हल करें इसे, सोलह एक्स स्क्वायर माइनस एट, एट की जगह पर यहां पर देखिए फोर प्लस फोर आया था, तो फोर प्लस फोर लिख दे इंटू यक्स प्लस वन बराबर जीरो के बेटा। अब सोलह यक्स स्क्वायर माइनस ब्रेकट खोल दे, यक्स से गुणा करेंगे चार में, चार यक्स, ये माइनस है ये प्लस चिन्ह बदल जाएगा माइनस, फोर यक्स प्लस वन इक्वल जीरो के बेटा। अब दो दो पदों का जोड़ा बनाने आपको पिछले सवाल में बताया है, अब पहले जोड़े में कामन ले लें तो यहाँ पर फोर यक्स कामन मिलता है बेटा, फोर यक्स कामन ले लेंगे तो चार चौक सोलह, और एक्स स्क्वायर से यक्स कामन तो यक्स बचेगा माइनस, फोर यक्स पूरा कामन आ गया तो यहाँ वन बचेगा माइनस। अब इन दोनों में हमें कामन लेना है, कुछ कामन नहीं मिलता कोई संख्या, तो वन तो सब में हमेशा कामन मिलती है, तो यहाँ पर वन कामन ले लो बेटा, वन कामन ले लिया, अब यहाँ पर बचेगा फोर यक्स बेटा, माइनस कामन हुआ तो बेटा ये चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ माइनस कामन लिया तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा और ये वन इक्वल जीरो के बेटा। मैंने आपको अभी बताया पिछले सवाल में कि बेटा कामन लेने के बाद जो दोनों ब्रैकेट में यहाँ पर आएगा वो सदैव समान होना चाहिए बेटा, यहाँ पर जो दोनों ब्रैकेट में आएगा बेटा ये सदैव समान होना चाहिए। तो बेटा यहाँ पर फोर यक्स माइनस वन, फोर यक्स माइनस वन पुनः दोनों से कामन हो जाएगा, कामन ले लेते हैं, यहाँ पर बचेगा फोर यक्स माइनस वन इक्वल जीरो के बेटा। और अभी मैंने आपको तर्क दिया था, नियम बताया था कि बेटा यहाँ पर इन दोनों का गुणनफल शून्य के इक्वल है, शून्य के बराबर है, और किन्हीं दो संख्याओं का गुणा आपको बताया शून्य तभी हो सकता है या तो पहला गुणनखंड शून्य के बराबर हो या दूसरा गुणनखंड शून्य के बराबर हो। तो बेटा एक बार पहला गुणनखंड शून्य के बराबर कर देते हैं, फोर यक्स माइनस वन इक्वल जीरो, तो फोर यक्स बराबर
माइनस वन इधर लाएंगे वन, तो यक्स बराबर वन अपान फोर। बेटा फोर यक्स बर माइनस वन बराबर जीरो, तो फोर यक्स बराबर वन, तो यक्स बराबर वन अपान फोर। बेटा यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि बेटा जो यक्स के मान प्राप्त हुए वो दोनों ही मान समान है। यक्स का जो पहला मूल प्राप्त हुआ वो वन अपान फोर, और इसका दूसरा मूल जो प्राप्त हुआ वो भी वन अपान फोर। तो बेटा ऐसा होता है कि बेटा कभी कभी द्विघात, अब आप कहेंगे बेटा आपके मन में एक प्रश्न आ जाएगा तुरंत, अभी आप मुझसे कहेंगे सर आपने कहा था कि जो जितने घात का समीकरण होता है उसके उतने ही मूल प्राप्त होते हैं। सर ये तो द्विघात का समीकरण है तो इसके दो मूल आने चाहिए थे, लेकिन बेटा यक्ष के दो मूल नहीं एक ही मान यक्ष इक्वल वन अपान फोर प्राप्त हो रहा है, ये आप कहेंगे। तो बेटा नहीं, ध्यान दीजिए मेरी बात, मैंने ये नहीं आपसे कहा था। हाँ मैंने कहा था जो जितने घात का समीकरण उसके उतने ही मूल, उतने ही फैक्टर होते हैं, उतने ही मूल प्राप्त होते हैं। तो यहां पर भी ये द्विघात का समीकरण, इसके दो मूल प्राप्त हुए हमको, लेकिन बेटा ये दोनों ही मूल समान आ गए। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी समीकरण के मूल समान होते हैं बेटा, कभी कभी समीकरण के मूल समान होते हैं। आगे इसकी चर्चा अभी होगी लास्ट प्रश्नावली में, मूलों के बारे में आपको बताया जाएगा। तो बेटा यहाँ पर ये जो दोनों मूल प्राप्त हुए ये दोनों मूल समान है, यानी यक्ष बराबर आंसर में लिख सकते हो वन अपान फोर कामा वन अपान फोर, ठीक यही हमारा आंसर हो जाएगा। बेटा देखिए बेटा मैंने ये आपको इस एक्सरसाइज का दूसरा प्रश्न बता दिया, बेटा ये दूसरा प्रश्न मैंने इसका बताया। अब बेटा आपको समय को अगर ध्यान में रखें बेटा, तो हमारे पास जो इस समय समय बचा है लाइव क्लास का वो बेटा 10 मिनट है हमारे पास, और मैंने वादा किया था आपसे कल कि मैं आपको दो नियम बताऊंगा, एक गुणनखंड विधि के द्वारा द्विघात समीकरणों को हल करना, और एक मैंने आपको बताया था पूर्ण वर्ग बना के द्विघात समीकरणों को हल करना। लेकिन बेटा यदि हम पूर्ण वर्ग ले लेते हैं तो फिर बेटा वही बात फिर आ जाएगी कि या तो मैं घसीटा मारूं, तेज पढ़ा दूं, आपको पूरी बातें ना बताऊं, सीधा सवाल को हल कर दूं, और या सवाल को ठीक है जल्दी से हल करके समाप्त कर दूं। तो बेटा इसलिए हम अब उस प्रश्नावली में आज नहीं अगली कक्षा में जाएंगे, हम इसी प्रश्नावली में एक प्रश्न को और लेके हल करते हैं और देखते हैं बेटा कि किस प्रकार से गुणनखंड विधि द्वारा समीकरणों को हल किया जाता है। बेटा देखिए एक प्रश्न और ले लेते हैं कोई, हम यहाँ पर देखिए बेटा जैसे दिया हुआ एक समीकरण बेटा ले लेते हैं, इसका पांच नंबर 100 यानी 100 यक्स स्क्वायर माइनस 20 यक्स और प्लस 1 इक्वल बेटा 0 के। बेटा देखिए बेटा ये एक साधारण द्विघात समीकरण है, 100 एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स प्लस 1 इक्वल 0। अब बेटा इसका इस समीकरण के हमें फैक्टर करके मूल ज्ञात करने हैं, गुणनखंड करके मूल ज्ञात करने हैं। तो देखिए बेटा सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो यक्स स्क्वायर का गुणांक होता है इसे आप रफ पन्ने में लिख लें, 100 लिख लिया इनटू अचर पद 1, इससे गुणा कर देते 100 एक कम 100 बेटा। फिर यक्स का गुणांक लिख ले, चिन्ह नहीं लेते मैंने बताया, चिन्ह छोड़ देते हैं। अब बेटा यहां पर आपको लास्ट अचर पद का चिन्ह देखना है, क्या लगा प्लस, तो मैंने आपको अभी समझाया
यहां पर प्लस लगा हुआ है तो जोड़ने पर, अगर माइनस होता तो घटाने पर हम सोचते, प्लस है इसलिए जोड़ने पर। ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका जोड़ 20 हो गुणा 100 हो। तो बेटा बहुत आसान सी संख्याएं हैं, 10+10 बेटा, 10 और 10 का जोड़ 20 और 10 दहन 100 बेटा, दोनों संख्याएं समान आई। इसका मतलब इस समीकरण के भी दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे। निश्चित है इस समीकरण के भी दोनों मूल समान होंगे। यहां पर बेटा देखिए बेटा, 100x² - 20, तो यहां से बेटा मैंने आपको बताया बात, यहां 20 है तो 20 के स्थान पर 10+10 लिख दे ब्रेकेट में, 10+10 और यहां इनटू यक्स है, यक्स लिख देते +1=0 बेटा। अब 100x² - ब्रेकेट खोल लेते हैं 10x+, यहां माइनस है ब्रेकेट के पहले, प्लस बदल जाएगा माइनस में, एक्स का 10 में गुणा 10x और +1=0 के बेटा। दो दो पदों का जोड़ा बनाते हैं, सबसे पहले पहले जोड़े में कॉमन 10x मिल जाएगा, ये 10x कॉमन ले लेते हैं, 10 दहन 100 10, x² से x कॉमन तो x बचेगा, -10x पूरा कॉमन तो 1 बचेगा, माइनस इन दोनों में जब कोई संख्या कॉमन नहीं है तो मैंने अभी बताया कि बेटा 1 कॉमन ले लिया जाता है, तो यहाँ पर 1 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 10x, और माइनस कॉमन है तो ये प्लस बदल जाएगा माइनस में, ये 1=0। मैंने पिछले सवाल में आपको बताया है कि बेटा दोनों ब्रेकेटों में समान संख्या यहां आनी चाहिए, यदि आपका सवाल सही लग रहा है तो देखिए 10x - 1 10x - 1 बेटा। अब ये दो पद, एक पद ये, एक पद ये, अब इन दोनों पदों में फिर 10x - 1 कॉमन होता है, आप पुनः 10x - 1 कॉमन ले ले, तो बेटा 10x - 1 कॉमन आया तो यहाँ पर 10x बचेगा, फिर ये 10x - 1 कॉमन आया तो यहाँ -1 बचेगा, =0 देगा। फिर वही काम मैंने आपको बताया, यहाँ पर इन दोनों का गुणनफल शून्य है और ये तभी संभव है या तो पहली संख्या शून्य के इक्वल हो या दूसरी या दोनों शून्य के इक्वल हो। इनको शून्य के इक्वल करते हैं तो 10x - 1=0 के, तो ये 10x = -1 इधर आएगा +1, तो x = 1/10, 10 गुणा में इधर बटे में आ जाएगा, या बेटा यहाँ पर 10x - 1=0 तो 10x = 1 के, तो x = ये भी 1/10। मैंने पहले ही बता दिया था इस समीकरण में दोनों मूल समान आएंगे। बेटा ये कैसे हो जाता, ये कैसे जान लिया जाता, ये भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं। बेटा जब ये x का गुणांक दो बराबर बराबर भागों में टूटे, बराबर बराबर भागों में, तो समझ लो वह समीकरण बेटा पूर्ण वर्ग होता है, वह समीकरण पूर्ण वर्ग होगा, और जब वो पूर्ण वर्ग होगा तो निश्चित है उस समीकरण के दोनों ही मूल समान होंगे। बेटा ये सदैव ध्यान रखें, यदि x का जो गुणांक दिया गया है, अगर x के गुणांक को दो संख्याओं में तोड़ने पर दोनों बराबर बराबर संख्याओं में टूटे तो निश्चित है उस द्विघात समीकरण के दोनों ही मूल बराबर होते हैं, वो एक पूर्ण वर्ग के रूप में होता है बेटा। तो यहाँ पर x के दो मान हमें प्राप्त हो गए, आंसर में यही लिख देंगे x = 1/10, 1/10 बेटा, वो x के दोनों ही मान समान है, अर्थात इस द्विघात समीकरण के दोनों ही मूल समान है। ठीक, तो धन्यवाद। अब आप लोग जो है अगले दिन, अब बाकी जो सवाल यहाँ के बचे हुए हैं वो आप लोग होमवर्क में करिए,
मैंने आपसे कई बार कहा, आप लोग कमेंट ही नहीं करते हैं कि बेटा जो प्रश्न आप हल करें घर पे, प्रश्न आपकी पुस्तक में दिए गए हैं, जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं, जिनमें कोई दिक्कत होती है, आपके पास ही कमेंट करने का ऑप्शन होता है, आप कमेंट में अवश्य डालें, हम आपको उन प्रश्नों के हल बताएंगे। और ध्यान रहे आप लोगों को यहाँ पर कि बेटा मैंने आपसे आज वादा किया था कि मैं आपको दो विधियों से आज द्विघात समीकरण हल करना बताएंगे, लेकिन एक ही विधि से समय हो गया। अब अगले दिन अगर मैं बताता जल्दी जल्दी तो आपको समझ में नहीं आता, तो बेटा इसके लिए खेद है, हम अगली कक्षा में आपको पूर्ण वर्ग बना के द्विघात समीकरणों को हल करना सिखाऊंगा। तो धन्यवाद।